नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद बेंगलुरु से जब दिल्ली जा रहे थे, इस बीच तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जी हां, आपको बता दें कि बेंगलुरु से वापस दिल्ली जाते हुए राहुल और सोनिया के विमान के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट की भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के चलते भोपाल में लैंड की गई। दोनों नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेता नॉन शेड्यूल फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब 8 बजे तकनीकी खराबी के चलते उनकी फ्लाइट भोपाल में लैंड हुई। दोनों नेता भोपाल से इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि 18 जुलाई को विपक्षी दलों के महागठबंधन को लेकर बेंगलुरु में जो मीटिंग है वो चल रही थी, और जिसमें तमाम बड़े बड़े जो दल हैं विपक्षी दल, वो सभी जो हैं वो शामिल हुए थे। करीब 26 विपक्षी दल इसमें शामिल हुए थे, और कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये वहाँ पहुँचे थे महागठबंधन की राजनीति के लिए। लेकिन जब ये वापस निकले, यानी कि बेंगलुरु से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब वापस निकले रात को 8 बजे की फ्लाइट से, तब इनकी फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने का जो डर था वो फ्लाइट पर मंडराने लगा था। और तभी फ्लाइट के पायलट ने ये डिसाइड किया, और कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड किया गया कि इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो भोपाल में कराई जाएगी। उसके बाद रात करीब 8 बजे इसकी जैसे ही तकनीकी खराबी हुई तो इस फ्लाइट को भोपाल में लैंड करा दिया गया, और दोनों नेता भोपाल में उतरे, और उसके बाद इंडिगो की फ्लाइट लेकर वहां से रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है कि होते होते बच गया, और सोनिया और राहुल गांधी की जो जान है वो बाल बाल बच गई है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई होती तो एक बड़ा हादसा इस प्लेन के साथ हो सकता था, जिसमें हमारे देश के दो बड़े नेता जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते थे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।